नुपुर, ये कैसी आवाज थी? ये चोट कैसी लगी? घाव भी ताजा लग रहे, क्या हुआ टुपुर? बता ना क्या हुआ? तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह अपनी मनहूस बदसूरत शक्ल मत दिखाया कर, तुझे समझ में नहीं आता? कुछ नहीं, वो पूजा कर रही थी तो जल्दी ही धूप गिर गई हाथों पर, तो उससे ही थोड़ा सा जल गया। बिल्कुल ध्यान नहीं रखती ना तुम अपना। तुम्हें कितनी बार कहा है आग से दूर रहा करो, ये आग तुम्हें जरा सा भी छूती है तो मेरा दिल जलता है। नुपुर, जमाई बाबू तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। मैं तो सबका ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हारा भी, मतलब तुम हमारे परिवार का ही तो हिस्सा हो। वैसे कचहरी जा रही है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। दीनपुर कचहरी के पास ही मेरा काम है, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में कृष्णा नगर घुमाते हुए छोड़ दूंगा कचहरी। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ लेंगे? अपनों के लिए कभी कोई काम करने से पीछे नहीं हटता चंद्रचूड़। मैं अभी जीप निकलवाता हूँ। अगर जमाई बाबू मुझे छोड़ने गए तो मैं वैजयंती का रूप बदलकर तुलसीपुर कैसे जाऊंगी? उम्र बढ़ने के साथ तुम और भी सुंदर हो गई हो पांडिता, बल्कि जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा। अब तो मेरी तुम्हें पाने की चाहत और भी बढ़ गई है। चंद्रचूर बाबू, किसी को छुप छुपाते टकटकी बांधे देखने का अलग ही मजा है ना। छुप छुपा कर टकटकी बांधे वो पागल दीवाने देखते हैं जिनको उनके मन का नहीं मिलता, लेकिन मैं उनमें से नहीं, मुझे जीतने की आदत है। एक बार बौंदता को मैं पहले भी हार चुका, लेकिन इस बार मुझे बौंदता को जीतना ही है। उसके लिए जो करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन बौंदता को अपना बना कर रहूंगा। इसीलिए इस बार एक शिकारी की तरह दिमाग लगा के इसका शिकार करूंगा मैं। 8 साल की तपस्या है, उसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। चले? हाँ, वैसे एक बात बोलूं जमाई बाबू? हाँ? आपको मेरे साथ कचहरी आके समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, बल्कि आपको पता लगाना चाहिए कि वो बटुआ किस लड़की का था। अगर आपने ऐसा कर दिया ना, तो सबके सामने आपका रुतबा और भी बढ़ जाएगा। सबकी आंखों में रुतबा और बढ़ जाएगा? हाँ। ठीक है, सबका नहीं पता, पर अगर उस जासूस लड़की को पकड़ने से तुम खुश होगी मुझसे, तो आज सबसे पहले यही करूंगा मैं। ठीक है, तो पहले हम उस जासूस को पकड़ेंगे, मैं उसे पकड़ूंगा और तुम्हें फिर किसी और दिन कृष्णा नगर घुमाते हुए कचहरी तक छोड़ दूंगा। बच गई बौंदता, अब बन जा वैजयंती। आपने बहुत ज्यादा डांटा है क्या वैजयंती दीदी को? बताइए ना दादा, बताओ ना दादा, बताइए ना। बताइए, क्या सच कह रही है? काका, मैं क्यों किसी को डांटूंगा? जैसे सबसे बात करता हूँ बिल्कुल वैसे बात की है वैजयंती से। हाँ, अब बात भी ऐसे करते हैं जैसे लोग पैर डांटते हैं, इसलिए वो नहीं आई वापस पढ़ने। अनिरुद्ध, हमने तुमसे कहा था ना कि वैजयंती से जरा नरमी से बात करना, पर तुम बेचारी लड़की। वो हाँ काका, बेचारा तो मैं हूँ जो उस मद्रास एक्सप्रेस की खटर पटर सहता रहता हूँ,
उसको कोई पढ़ने वढ़ने नहीं आती, बस बेकार की बातें करवा लो उससे। बस पंचायत में दिलचस्पी है तुम्हारी वैजंती दीदी की, इसीलिए नहीं आई वो। नहीं नहीं काका, वो तो रसगुल्ले से मीठी है, इतनी प्यारी बातें करती है। आप टेलीफोन करके उन्हें बुलाइए ना काका। लेकिन बेटा उसके घर पे तो टेलीफोन है ही नहीं। हाँ तो गाड़ी करके जाइए। काका कोई कहीं नहीं जाएगा। शाश्वती तुम जाओ पढ़ाई करो और करना है तो नाश्ता करो, ये लो। लेकिन अगर उनके अप्पा को बुरा लग गया तो आपकी दोस्ती, आपके जमींदारों वाली जुबान। शाश्वती सही कह रही है। शाश्वती हम जाएंगे वैजंती के घर उसे लेने के लिए। अरे अरे अगर तुम्हारी डांट से उसको बुरा लग गया है तो सोचो उसके घर वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अरे बेटा व्यवसाय है, सब सोचना समझना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ेगी ना। चलो चलिए। अरे तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। पर फिर तुम ऐसे बदहवास बैल की तरह भाग क्यों रही थी? वो मुझे भागना बहुत अच्छा लगता है। बचपन में कभी कैरी चुरा के भागती थी तो कभी पतंग के पीछे। एक बार तो अपनी शादी से भाग गई थी मैं। क्या मतलब? मेरी सहेली की शादी से भाग गई थी तो मेरे अप्पा चाहते थे कि मेरी भी शादी हो जाए, पर छोटी थी ना, बाल विवाह तो नहीं कर सकती थी। विवाह नहीं, अत्याचार है इस लड़की पे। अगर आप सब नहीं रोकेंगे तो मैं अकेला रोकूंगा। क्यों बरिस्तर बाबू, सही कहा ना मैंने? तुमने सब कुछ बता दिया पर ये नहीं बताया कि अभी क्यों भाग रही थी। वो मुझे देरी हो गई थी ना, इसीलिए भाग रही थी। पर ना बरिस्तर बाबू मुझे वापस डांटते, कल भी डांटा था इन्होंने मुझे, रात भर मेरे सपने में आ रहे थे। बेटा पानी पिलाओ वैजंती को और अभी पढ़ाओ, डांटना नहीं। चलो पढ़ो, आ जाओ बेटा। वैजंती जी अनी। खत्म, खत्म हो गया है पानी। पर प्यार नहीं। कुछ कहा और चाहिए? चलिए पढ़ने चलो। अरे अरे तुम फिर गिर गई। उठो सर, शूले फीते नहीं बंधे, फीते बांधो अपने। अरे बांधो वरना वापस वापस गिरती रहोगी, बांधो उसे। वैजंती तुम्हें फीते बांधने नहीं आते? अरे तुम इतनी बड़ी हो गई तुम्हें फीते बांधने नहीं आते? वो कभी अपने आप से बांधे नहीं ना फीते, इसीलिए नहीं आते। मैं आपसे बांधने नहीं आता, कोई और बांधता था। कौन? मेरे सक हाँ मेरे साकेत बाबू बांधते थे, वो मेरे घर पे काम करते थे ना, वही बांधते थे। क्या आप बांध देंगी? वाह वाह बैठो।
तुम ये जूते अपने हाथ में लेकर आ जाओ स्टडी में, मैं बिहारी से या उसकी बीवी से बनवा दूंगा। लेकिन अगर परेशानी दूर हो गई है ना तो तीन बार दरवाजा खटखटा दो। हमेशा अंदर आने के बाद क्यों पूछती हो मैं अंदर आ जाऊं? अब आ गई हो तो आ जाओ। एक मिनट, दोबारा कभी तीन बार दरवाजा मत खटखटाना। एक बार खटखटाओ, दो बार खटखटाओ, चार बार, पांच बार, सौ बार खटखटाओ, पर तीन बार दरवाजा मत खटखटाना, समझी? अयो, क्यों? तीन बार खटखटाने में कुछ खास बात है? मैं समझ गई, ये आपको कोई खास इशारा है ना, है ना? अयो अप्पा, ये चोट कैसे लगी? दवा क्यों नहीं लगाई? जल्दी, मेरा मतलब है हल्दी लगा लेते, मैं लेके आती हूँ। सुनो सुनो सुनो, तुम यहाँ पढ़ने आती हो ना, तो यहाँ आओ, पढ़ो और जाओ। प्लीज अपने काम से काम रखो, ये पकड़ो इसे। कल जो भी सीखा था लिख कर दिखाओ, कल जो भी सीखा था लिख कर दिखाओ। जानती हूँ ये चोट तो बस ऊपर की है, असली चोट तो आपको अंदर लगी है, और मैं वही आपके दिल की चोट का पता लगाने आई हूँ यहाँ, और उसे जानकर उसे ठीक भी कर लूंगी मैं सखा बाबू शौति। तो सब क्या कर रही हो तुम, क्या करती रहती हो तुम? कितने पास लग रही है आपका बड़ा सा मुंह, आपके सर पर बड़ी तनी से बौएं, इतना बड़ा नाक, और नाक पे उससे भी बड़ा सा गुस्सा। अयो छोड़ो इसे, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती तुम। हाँ जरूरी है हर चीज से छेड़खानी करना, चीजों को छूना, मुझसे सवाल पर सवाल करना। दोबारा कह रहा हूँ और आखिरी बार कह रहा हूँ, वैजयंती, वैजयंती, मेरी चीजों को मत छूना, दूर रहना मेरी हर चीज से, और बेकार के सवाल मत पूछना।
पढ़ने आई हो पढ़कर जाओ। क्या हो गया? अरे रो क्यों रही? रोना बंद, पापा को लगेगा मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। फिर से प्लीज मत रो ना। अयो पहले तो मुझे डांट दी है, फिर बोलती है रो भी मत। अयो पापा मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं इतनी प्यारी सी, मासूम सी, गोली सी, मुझे को डांट दी है। एक मिनट सुनो ना, क्या बोला तुमने? प्यारी सी, मासूम सी, गोली सी। मतलब? अयो गोली सी, होली सी कहना चाहती हो? हाँ। अयो आप कितना अच्छे से समझती है मेरे को। समझता वही समझ इल्ले? नहीं आप मेरे को अच्छे से नहीं समझती है, जब देखो तब डांटती रहती है, गुस्सा करती रहती है, ये मत छुओ, ये मत छुओ, इसे मत देखो, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा छोड़ो उसे। नहीं आप एक काम क्यों नहीं करती? आपके अंदर जितना भी गुस्सा है ना आप इसमें लिख दो, मैं इसे मेरे गांव में ले जाके नदी में बहा देगी, फिर कम से कम आप मुझे डांटेगी तो नहीं? लिखो। ये नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। अयो अप्पा मैं नौटंकी करती है? अरे रोना बंद करो ना। सॉरी सॉरी। अरे वैजयंती मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस कह रहा था कि ये सब करने की कोई जरूरत है। जरूरत थी? आपको मालूम आपका डांट सुन सुन के मेरा पेट भर गया है। कल रात को अम्मा मुझे रसगुल्ला खाने को बोल रही थी और मैंने मना कर दी। सोचो रसगुल्ला खाने से मना कर दी, सुन रही है ना? रसगुल्ला खाने से मैंने मना कर दी, मैंने रसगुल्ला खाने से मना कर दिया। अम्मा मेरे को पूछती जा रही है पर मैं रसगुल्ला खा ही नहीं रही हूँ। रसगुल्ला नहीं खाई मैं, सुन रही है ना? मैंने रसगुल्ला खाने से मना कर दिया, रसगुल्ला। बस बस दोबारा रसगुल्ला मत कहना मेरे सामने। देखा फिर इसे डांटी ना? अरे नहीं डांट, नहीं डांटा वैजयंती। ठीक है मैं तो पढ़ नहीं सकती पर अगर आपको मेरी सूरत देखने से तकलीफ है ना तो मैं अपना मुंह फेर लेती है। ये लीजिए आपके मन में जो कुछ भी है इसमें लिख दीजिए। नौटंकी लीजिए, अरे लीजिए। सखा बाबू आज आपसे खेल खेल में ये वैजयंती आपके मन का पूरा हाल कागज पर उतरवा लेगी। सखा बाबू मैं आपकी बॉन्दिता हूँ, आपकी बॉन्दिता वापस आ गई है। सखा बाबू होगा, लाई आपका सारा गुस्सा मैं नदी में बहा दे। अयो अप्पा आपने तो कुछ भी नहीं लिखा, आप कैसे शिक्षक है? एक शब्द भी नहीं लिखा, मेरे से 50 बार अ आ इ ई लिखवाते और खुद एक शब्द नहीं लिखे, कैसे शिक्षक है आप? बताइए ना क्यों नहीं लिखी? लिखिए ना। गर्मी हो रही है, खिड़की खोल देता हूँ। बोलिए ना, मैं आपसे बात कर रही है, लिखिए ना, आप सुन रहे हैं ना? इसमें क्यों नहीं सुनी? हाँ क्यों नहीं लिखी? क्या हो रहा है?
देखा कितना मजा आया, हमारी शरारत काम कर गई। मैं बता रहा हूँ काका, वो मैं वैजंती को पढ़ा रहा था कमरे में, स्टडी में पढ़ा रहा था काका। अब गर्मी लगी तो पंखा चालू कर दिया, पंखे पर किसी ने रुई रखी थी और वो पूरी रुई कमरे में बिखर गई तो पैर फिसल गया और फिसल कर हम अंदर गिर गए। ये सब ना तुम्हारे ये शरारती बदमाश बच्चों की कारस्तानी है। इन अनाथ बच्चों को घर पे रखने की क्या जरूरत है? हम मना कर रहे थे कि मत रखो यहाँ पे, पर हमारी बात आज तक तुमने सुनी है जो अब सुनोगे? धर्मशाला बना के रख दिया है घर को, आज अच्छे से खबर लेंगे इनकी। रुकिए काका, गलती बच्चों की नहीं उस वैजंती की है। ऊपर से रुई गिरी और वो पता नहीं कैसे नाचने लगी, कुछ अजीब सी हरकतें करती है काका। वो नाच रही थी, मैं मुड़कर थोड़ा आगे गया, वहां पर किसी ने फ्लावर वाज रखा था जिसमें मोती थी, मेरा हाथ उस पे पड़ गया और वो फ्लावर वाज गिर गया और वो मोतियों से हम फिसल कर बाथटब में गिर गए। वैसे भी काका सारी परेशानी तब से बड़ी है जब से वैजंती आई, मैं उसे एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। कपड़े बदल कर है क्या? मेरा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा?